आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, प्रश्न एनिलिडा एवं सिलेंट्रेटा संघ के चार चार लक्षण बताइए, प्रत्येक के दो दो वैज्ञानिक नाम लिखिए। तो आइए देखते हैं, एनिलिडा संघ और सिलेंट्रेटा संघ। आइए इन दोनों में जो है अंतर करते हैं। एनिलिडा में जो जीव होते हैं उनका शरीर जो है कई खंडों में विभक्त होता है, जबकि सिलेंट्रेटा में जीवों का शरीर जो होता है उसमें जो है द्विस्तरीय होता है। एक्टोडर्म और एंडोडर्म, बाह्य त्वचा और अंत त्वचा इसमें पाया जाता है। सिलेंट्रेटा में जो है स्पर्शक पाए जाते हैं, स्पर्शक होते हैं, जबकि एनिलिडा में स्पर्शक नहीं होते हैं। सिलेंट्रेटा में जो है पीढ़ी एकांतर देखने को मिलता है, पीढ़ी एकांतर, जबकि सिलेंट्रेटा में पीढ़ी एकांतर नहीं होता है, पीढ़ी एकांतर नहीं होता है। और जो सिलेंट्रेटा के कुछ सदस्यों में कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ जो है कंकाल होता है, जबकि एनिलिडा में कोई भी कंकाल नहीं पाया जाता है। तो ये अंतर हो गया। अब आइए देखते हैं इनके उदाहरण। तो एनिलिडा में आते हैं, केचुआ आता है इसमें, जिसका जो है वैज्ञानिक नाम लुब्रिकाइना है। और जो है दूसरा देखें उदाहरण, दूसरा है जोंक, जिसका वैज्ञानिक नाम हिरोडिनेरिया तो अब आइए देखते हैं सिलेंट्रेटा में उदाहरण, हाइड्रा का वैज्ञानिक नाम, इसमें हाइड्रा आता है, इसका वैज्ञानिक नाम हाइड्रा है। और जो है पुर्तगाली युद्ध मानव इसका साधारण नाम है, तो इसका जो है वैज्ञानिक नाम जो है पाइसेलिया है। तो ये दो उदाहरण हो गए सिलेंट्रेटा के। तो आशा करते हैं इस प्रश्नोत्तर आपको स्पष्ट हो गया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।